तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक आपने अगर हमारी HTML की प्लेलिस्ट, जो कि हमारी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है, उसे एक्सेस नहीं किया, तो अभी जाके उसे एक्सेस कर लो। तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल में टाइप करना है यूट्यूब, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है स्मिथ तुस्कानो को, और उसमें आपको मेरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। तो आप पहले जाके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, बाद में ये वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में हम करने के वाले, तो आज हम बनाने वाले एक वेबसाइट। तो वेबसाइट क्यों हम बनाने वाले, क्योंकि हमें सीखना है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड बैक एंड वेबसाइट कैसे बनाते हैं, पूरा हम सीखने वाले स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम बनाने वाले एक वेबसाइट यूजिंग HTML CSS, और हम और एक चीज़ आज बहुत ही अच्छी यूज़ करेंगे, जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप की मदद से हम बहुत ही आसानी और क्विक तरीके से एक वेबसाइट बना सकते हैं। और आप अगर इस वेबसाइट को देखोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि ऐसी वेबसाइट इसने कैसे बनाई। तो आप भी इस तरह की वेबसाइट बना सकते हो। तो पिछले वीडियो देख के आओ HTML CSS की, उसके बाद इसको कंटिन्यू करो। तो मैं इधर आपको आपके लिए ये वेबसाइट खोल देने वाला हूँ, उसके बाद हम स्क्रैच से बनाएंगे। तो पहले आप वेबसाइट का डेमो देख लो, उसके बाद हम इस वेबसाइट को बनाएंगे। और आपको कैसी लगती है वेबसाइट, कमेंट सेक्शन में बताओ। इससे अच्छी भी वेबसाइट आप बना सकते हो। तो मैंने आपके लिए एक वेबसाइट बनाई है, अब आप इससे अच्छी बना सकते हो। इसके आगे बहुत सारे वीडियो आएंगे, हम डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ आएगी। आज हम देखेंगे वेबसाइट, और उसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर दो, और बहुत कुछ चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए पहले इस वेबसाइट का डेमो देख लेते हैं। तो ये रही आपके सामने वेबसाइट। तो ये वेबसाइट आप देख लो। तो इस वेबसाइट पे जैसे आप ऊपर देख सकते हो, आपको एक लोगो दिखाई देगा ST एजुकेशन। उसके बाजू में आप देखो, आपको राइट साइड पे एक नेव बार दिखाई देगा, होम अबाउट अस स्टडी मटेरियल कॉन्टैक्ट। उसके बाजू में सर्च का ये और ग्रीन कलर का एक बटन दिखाई देगा, जिसपे जैसे ही हम कर्सर लेके जाते हैं तो कर्सर पॉइंटर में बदल जाता है। आप देखो ये कर्सर है, और अभी ये पॉइंटर बन गया, और वो उसका कलर भी चेंज हो रहा है। उसके बाद जैसे आप नीचे आ रहे हो, आप देख सकते हो तीन इमेज है या अपने आप घूम रहे हैं, मैं कुछ घुमा नहीं रहा हूँ। तो पहला इमेज आप ये देख सकते हो, आप इमेज कोई भी लगा सकते हो और ये अपने आप घूम रहा है, आप कुछ भी दिख सकते हो। इस पे टेक्स्ट भी आप डाल सकते हो, तो सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद जैसे आप नीचे आ जाते हो, तो नीचे आप देखो एक अबाउट अस सेक्शन है, और इसमें मैंने ये क्या लगाया, तो ये कुछ और नहीं, मैंने इसमें वीडियो लगाई है। तो देखिए मैं ये इसे स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए वीडियो बैक टू स्कूल। तो कैसे लगा आपको कि हम HTML में वीडियो भी डाल सकते। तो हमने इमेजेस भी देख ली, वीडियो भी देख ली, और ये अपने आप लूप पे चलता गया। लूप मतलब ये कभी एंड होगा नहीं, जब तक हम बोलेंगे नहीं ये एंड नहीं होगा, ये अपने आप चलता ही जाएगा। उसके बाद आप देखो इसको फाइंड मोर अबाउट अस। तो जैसे मैं इसको इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये पॉइंटर में कन्वर्ट होते जा रहा है, और इसका कलर हल्का सा चेंज होते जा रहा है, ब्लू से डार्क ब्लू होते जा रहा है। और ये अबाउट अस और ये सब टेक्स्ट कैसे लिखा मैंने, और ये वीडियो देखो, वीडियो लग रहा है ना कि काफ़ी अच्छा, किसी को दिखने के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव और मस्त दिखेगा। उसके बाद नीचे जैसे हम आते हैं, तो इधर मैंने एक बनाया कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। कॉन्टेक्ट अस फॉर्म में यूजर नेम, ईमेल आईडी, मैसेज और सबमिट का बटन। तो ये सबमिट का बटन ग्रीन क्यों है, तो ग्रीन हमने इसलिए रखा है क्योंकि जब भी हम सबमिट करते हैं तो उसे सक्सेस नाम से बुलाते हैं कि मैसेज सक्सेसफुल सेंड हो गया, तो वो ग्रीन में आता है। क्योंकि आप देखोगे रेड ग्रीन और येलो सिग्नल रहते, तो ग्रीन जब होता है तो हम जाते हैं, तो वो मैसेज होता है कि मैसेज आपका सक्सेसफुल सेंड हो चुका है। तो इतना हम बनाएंगे आज, काफ़ी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी ईजी है। हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप, और ये नेव बार भी आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ब्लैक कलर में और ये वाइट कलर में। और आप देखो इस पे जैसे मैं लेके जा रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा वाइट हो रहा है। तो ये सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद जैसे आप अबाउट अस पे क्लिक करोगे, अबाउट अस के पेज पे कैसे जाते हैं, स्टडी मटेरियल और कॉन्टेक्ट अस सबको बताऊंगा। और इसको जो मैंने बताया फाइंड मोर अबाउट अस, तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन अबाउट अस बता दी। और आप देख रहे हो ये वीडियो एंड ही नहीं होते जा रहा है, ये वीडियो चलता ही जा रहा है। इसमें मैंने सिर्फ ये वीडियो लगाया, आपको चाहिए तो ऑडियो भी लगा सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा बहुत ही जल्दी। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए चैनल पे। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बाजू में बेल आइकन है उसे ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि ऐसे ही ढासू ढासू वीडियो आपको आते रहेंगे। और अगर आपने
मेरा एंड्रॉयड डेवलपमेंट का वीडियो नहीं देखा, जो कि मैंने फुल कोर्स बनाया एक ही वीडियो में, पूरा एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन आप उसे भी जाके देख लो, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, काफ़ी अच्छा है। और ये देखो इमेज में कुछ कर नहीं रहा, और ये इमेज भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे, और इसके हाइट भी देखो मैंने सेट कर ली, जैसे ही नीचे कर ले जाओ ये ख़त्म होते जा रहा है। तो और इस इमेज की जगह और एक इमेज भी आप डाल सकते हो, क्योंकि ये अच्छी नहीं लग रही, मुझे मालूम है इतनी, लेकिन ये जो इमेज है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और मुझे बहुत ही पसंद आई। तो इमेज कहाँ से लेंगे हम, और फ्री इमेजेस डाउनलोड करके कैसे सब कुछ करेंगे मैं बताऊँगा। और ये इस लोगों को आप थोड़ा कर्व भी कर सकते हो, जैसे कि ये अभी स्ट्रेट से, इसके कॉर्नर को कर्व भी कर सकते हो तो आप। और इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं कार्ड। तो कार्ड में हमने वीडियो और इसे दोनों को डाला है, इसमें आप ऑडियो भी डाल सकते हो। और कॉन्टेक्स का फॉर्म जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, सबमिट होना चाहिए, तो इसके हम देखेंगे अगली वीडियो में, जो कि हम डेटाबेस कनेक्ट करने वाले हैं, जब भी हम इसमें कुछ डालेंगे तो वो सबमिट होना चाहिए। तो देखो अभी तो ये रिडायरेक्ट हो रहा है इसी वेबसाइट पे, लेकिन जब हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो सब कुछ देखेंगे। तो इसमें देखो मैं डाल रहा हूँ स्मिथ, कुछ ईमेल आईडी डाल लेते हैं ऐसा कुछ, और कुछ मैसेज टाइप कर रहे हो, जैसे कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जैसे ही हम ये मैसेज लिख देते, तो जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक कर लेते, तो ये हमारे डेटाबेस में जाना चाहिए, या तो हमारे मेल पे यह आ जाना चाहिए कि कोई हमें कांटेक्ट कर रहा है, और उनकी इन्फॉर्मेशन हमें आनी चाहिए जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक कर दे रहे। तो ये सब कुछ बताऊंगा मैं, काफ़ी इजी है, बूटस्ट्रैप की मदद से काफ़ी आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए, किधर मत जाइए, आई विल गेट बैक टू यू इन अ मिनट। तो चलिए हमारे वेबसाइट डिज़ाइनिंग का पार्ट शुरू करते हैं। तो हमें करना क्या है, तो पहले हमें डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाए, तो मैंने फोल्डर बनाया वेबसाइट डिज़ाइनिंग 1। तो इस फोल्डर को हमें करना क्या है, तो इस फोल्डर में पहले हमें तीन चीज़ डालनी, तीन नहीं चार, तो हमें चार चीज़ डालने, क्या डालने है, तो हमें इमेजेस डालने जो कि हमारे वेबसाइट पे दिखने वाले। तो आप इमेजेस क्या कर सकते हो, पिक्साबे या कोई भी फ्री वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो मैं पिक्साबे का यूज़ कर लेता हूँ। तो इसमें जाके आपको जो चारों इमेज है, 1, 2, 3, 4, 5 पाँच इमेज है, उसे कॉपी कर लेना है और आपके फोल्डर में पेस्ट कर देना है। तो मैं जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग में आता हूँ, देखो आप इधर मैंने ये 1, 2, 3, 4 और 5 पेस्ट कर दिए। उसके बाद आपको एक फाइल बनानी है index.html और स्टाइल। तो वो कैसे बनानी, तो आपको ये फोल्डर ओपन करना है वी एस कोड के साथ, जो कि विजुअल स्टूडियो कोड है। तो आपको इधर आके राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड इस तरह का आइकॉन आएगा, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर लोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आके न्यू फाइल पे क्रिएट करके पहले index.html ये वाला बनाना है, उसके बाद दूसरा फाइल बनाना है style.css। तो ये दोनों बनाने के बाद आपको ओपन करना है अपना index.html, क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो हम index.html में ही करेंगे, css का यूज़ करेंगे लेकिन इतना भी नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस उसके बाद एस्केप की के बाजू में आपके पास एक एक्सक्लेमेशन का सिंबल है, तो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सक्लेमेशन डाल दोगे आपके सामने एमिट एब्रीवेशन आ जाएगा। तो एमिट एब्रीवेशन क्या है, तो एमिट एब्रीवेशन सिंपली शॉर्ट फॉर्म को लॉन्ग फॉर्म में बनाता है। जैसे CID का एब्रीवेशन है क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, तो वैसे ही इसका भी कुछ एब्रीवेशन है जो कि हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इस पर क्लिक कर देंगे और इसका एब्रीवेशन देखो क्या है, तो इसका एब्रीवेशन इतना बड़ा है। तो ये अपने पास बना बनाया थोड़ा सा ढांचा कोड रहता है HTML का, जो कि एब्रीवेटेड फॉर्म में आता है। तो इसके लिए मुझे VS कोड पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे जिसकी वजह से काम बहुत आसान होता है। उसके बाद टाइटल में क्या डालेंगे, टाइटल में हम डालेंगे एजुकेशनल वेबसाइट। तो हम बनाने जा रहे हैं एक एजुकेशनल वेबसाइट, तो एजुकेशनल वेबसाइट नाम दे देंगे टाइटल में, थोड़ा अच्छा लगेगा, बाकी कुछ नहीं। आप टाइटल नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन टाइटल देना ज़रूरी है। उसके बाद जो भी अपना मेन रहेगा वो आएगा अपने बॉडी में। तो अभी इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ओपन करना है। तो सिंपली बैक पे जाइए और इसको index.html पे
राइट क्लिक करके इसको आपको ओपन करना पड़ेगा, ओपन विद गूगल क्रोम। तो जैसे ही आप ओपन विद गूगल क्रोम कर लोगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो मैं ये ओपन विद गूगल क्रोम कर लेता हूँ, तो ये वेबसाइट अपनी ओपन विद गूगल क्रोम हो जाएगी। तो देखो आपके सामने कुछ इस तरह का टाइटल आ जाएगा, एजुकेशनल वेबसाइट। तो ये अपनी वेबसाइट है, तो ये मैंने क्रोम के साथ खोल ली। तो इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद हमें बॉडी में कुछ चाहिए। तो हमें पहले नेविगेशन चाहिए, जैसे कि हमने अपने वेबसाइट पे देखा था ऊपर एक नेविगेशन है। तो नेविगेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, तो नेविगेशन बनाने के लिए सिंपली यहाँ आएंगे, और जैसे मैंने बताया था मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊँगा जो कि है बूटस्ट्रैप। तो आपको इधर आना है, इधर सिंपली टाइप करना है गूगल। तो गूगल जैसे ही आप टाइप करोगे आपके पास गूगल सर्च बार आ जाएगा, इसमें आपको डालना है बूटस्ट्रैप 4W3School। तो बूटस्ट्रैप 4W3School को ओपन करना है। ओपन जैसे ही आप करोगे पहली लिंक जो है इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे आप, उधर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है आपको। गेट स्टार्टेड पे जैसे ही क्लिक करोगे नीचे की तरह आपको एक CDN लिंक मिलेगी। तो CDN लिंक क्या है, तो सिंपली ये अपना थोड़ा सा CSS, बूटस्ट्रैप हमको अपना थोड़ा सा CSS प्रोवाइड करता है जिससे हमारी वेबसाइट अच्छी दिखती है और काफ़ी सुंदर भी दिखती है। तो बूटस्ट्रैप क्या है, तो बूटस्ट्रैप पे एक वीडियो जल्दी आने वाला है, तो बूटस्ट्रैप पे कंप्लीट वीडियो आएगा। तो आपको अभी जितना जानने की ज़रूरत है उतना मैं बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू डाउनलोड एंड होस्ट बूटस्ट्रैप फॉर योर सेल्फ यू कैन इंक्लूड इट फ्रॉम अ CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो CDN सिंपली कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। तो आपको क्या करना है, अपना ये मैक CDN जो है ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कॉपी कर लेना है। तो इधर से लेके ये स्क्रिप्ट एक्ट तक पूरा आपको ये किया, आपने दबाया कंट्रोल C जो कि कॉपी हो गया। उसके बाद अपने को आना है अपने VS कोड में। आने के बाद बॉडी में हमें ये पेस्ट कर देना है। तो कंट्रोल V कर दिया, तो जैसे ही कंट्रोल V कर दिया आपकी CDN लिंक कॉपी हो गई। लेकिन बॉडी में सिर्फ हमको स्क्रिप्ट टैग लिखना है, और ये जो लिंक टैग है इसे हमें ऊपर लिखना है जहाँ हमारा हेड ख़त्म होता है, क्योंकि बॉडी में हम लिंक टैग नहीं लिखते, बॉडी में सिर्फ हम स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं। तो इसको इधर से कर दो कंट्रोल X जो कि कट कर देगा और कॉपी भी कर लेगा। और इधर आके हमें करना है ये कंट्रोल V। तो इतना होने के बाद इसके बाद और एक चीज़ है, इसके बाद हम देंगे शिफ्ट और हमें अपना इंक्लूड करना पड़ेगा CSS फाइल, क्योंकि हम अगर हमको CSS लिखना है तो हम लिख नहीं सकते। तो लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट, तो लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट HREF क्या करेगा, HREF लिंक करेगा। तो हमारी फाइल कौन सी है, तो हमारी फाइल है इसमें से style.css। तो इसको हम बता रहे हैं हमारे HTML टैग को कि हमको हमारी style.css जो है वो इसमें इंक्लूड करनी है, ताकि जब भी हम यूज़ करें तो हम यूज़ कर सकते। तो इतना हो गया, तो था ना ये आसान। तो CSS भी हमारी इंक्लूड हो गई। इसके बाद बॉडी टैग नेविगेशन चाहिए, नेविगेशन कौन सा, तो नेविगेशन में दिखा देता हूँ। तो इन सबको बंद कर देंगे, ये हमारी वेबसाइट है जो हमने क्रिएट की है और अभी आपके लिए स्क्रैच से क्रिएट कर रहा हूँ। तो इंडेक्स में जाएंगे, इसके ओपन विद गूगल क्रोम करेंगे। तो इसका कोड नहीं मैं ओपन करने वाला, इसको सिर्फ डायरेक्टली ओपन करके आपको दिखाने। तो ये देखो, तो नेविगेशन कौन सा, तो ये ऊपर वाला जो बार दिख रहा है आपको, तो ये है नेविगेशन बार, तो जिसमें होम, अबाउट, स्टडी मटेरियल, कॉन्टेक्स्ट, सर्च और ये वाला है। तो ये कहाँ से लाए, तो ये हम क्रिएट नहीं करेंगे। तो इसको भी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लोगो कैसा डालना है सब दिखाऊंगा मैं अभी। तो आपको जाना सिर्फ है प्लस के आइकॉन में और डालना है बूटस्ट्रैप। तो इस टाइम जो बूटस्ट्रैप आप डालोगे तो वो सिंपली बूटस्ट्रैप 4 डालोगे, आपको बूटस्ट्रैप 4 ही डालना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे आप, जैसे ही नीचे आओगे तो इस पे आपको गेट स्टार्टेड हो गया। तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपली आपको अपनी नेविगेशन बार चाहिए। तो नेविगेशन बार के लिए आपको जाना है
कंपोनेंट्स में, तो कंपोनेंट्स में आपको जाना है, कंपोनेंट्स के अंदर आपको नेविगेशन बार दिख जाएगा, तो नेविगेशन नेविगेशन नेविगेशन, तो ये रहा आपका नेविगेशन बार, तो नेव बार करके इस पर क्लिक कर देंगे आप। उसके बाद नीचे आना है, नीचे जैसे ही आप आओगे तो ये वाला जो आपको दिख रहा है तो ये आप कॉपी कर सकते हो। तो नेविगेशन वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं वो नेविगेशन कॉपी कर लेता हूँ। तो इधर आएंगे और इसको कर लेंगे कॉपी, तो इसको कर लिया कॉपी। उसके बाद आएंगे हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ हम उसे कर देंगे कंट्रोल पेस्ट। तो कंट्रोल पेस्ट के लिए क्या दबाएंगे, कंट्रोल वी, तो कंट्रोल वी दबाया। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हमें जो जो नहीं चाहिए वो हटा देंगे। तो हमें लिंक लिंक तक चाहिए, उसके बाद ये वाला नहीं चाहिए, ड्रॉप डाउन बॉक्स नहीं चाहिए और उसके बाद ये नहीं चाहिए, तो हम इसे हटा देंगे। तो सिंपली इसको कर लो डिलीट। और इसके बाद हमें क्या करना है, तो अभी ये वेबसाइट कैसे दिख रही है तो हम एक बार इसे देख लेते। तो एक बार इस पे जाएंगे, एजुकेशनल वेबसाइट पे जाएंगे हमारे, और इसको कर लेंगे रिफ्रेश। तो ये देखो कुछ इस तरह का आ गया, तो हमें जैसे चाहिए था वो तो आ गया। तो इधर रहा हमारा सर्च बार जिसको ग्रीन कर लिया हमने, तो इतने आसानी से हमने नेविगेशन बार भी हमारा बना लिया है। तो इसके बाद हम करेंगे क्या, लिंक के जा हमें क्या क्या चाहिए इधर, तो आप देख सकते हो हमें होम, अबाउट अस, स्टडी मटेरियल और कॉन्टेक्ट अस ये चाहिए। तो होम और लिंक आ गया, तो लिंक के जगह हमें क्या लिखना है, लिंक के जगह हमें लिखना है अबाउट अस। तो लिंक की जगह लिंक को हटा देंगे हम और डाल देंगे अबाउट, और इसी को अभी करना है हमें कॉपी कंट्रोल सी, और इसी को करना है कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। और इधर क्या डालना है हमें, अबाउट की जगह डालना है हमें स्टडी मटेरियल। तो जो भी हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो भी आना चाहिए, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। और स्टडी मटेरियल के बाद कॉन्टेक्ट, जो भी हमें कॉन्टेक्ट करेगा तो उसके लिए कॉन्टेक्ट फॉर्म तो चाहिए ना, नहीं तो वो कॉन्टेक्ट कैसे करेगा हमें। तो कॉन्टेक्ट अस का एक फॉर्म आएगा, तो इसे कंट्रोल एस कर लेते हैं। इसमें आते हैं इसमें आने के बाद इसको रिफ्रेश कर देते, तो देखो होम, अबाउट अस, स्टडी मटेरियल और कॉन्टेक्ट अस आ गया। तो ये नया बार है तो इधर भी हमें अपना लोगो लगाना है। तो हम करेंगे क्या, इसमें आएंगे और इसमें आने के बाद इधर जो नेव बार लिखा है तो इसको हम हटा देंगे। इसको हम हटा के क्या डाल देंगे, हम अपना इमेज डालना है हमें, तो इमेज SRC, तो इमेज SRC में क्या डालेंगे, तो stEducation.png है। तो ये फाइल इंपोर्ट कर ली हमने, तो ये फाइल इंपोर्ट करने के बाद हम कंट्रोल एस पे सेव कर देंगे और अपने आप देखो इमेज आ जाएगा। तो ये इमेज इतना बड़ा आ गया तो इसको हमें छोटा करना पड़ेगा, इमेज काफ़ी बड़ा है। तो आप जैसे इधर देख सकते हो ये इमेज छोटा है, वो इमेज काफ़ी बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, एजुकेशनल वेबसाइट में आएंगे, अपने इसमें जाएंगे, इमेज को छोटा कर लिया है। तो हमने क्या किया है, तो हमने सिंपली एक प्रॉपर्टी दी है इसमें, हाइट 80 पिक्सल डाल दिए। तो इमेज की जो हाइट है वो हमने 80 पिक्सल्स कर दी। उसके बाद आप देख सकते हो इस वेबसाइट और इस वेबसाइट में क्या फ़र्क है, तो इनमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं, सिर्फ अभी ये नेविगेशन जो है वो लाइट से डार्क हो चुका है। तो हमें क्या करना क्या होगा, इधर जो लाइट है उसको करना होगा डार्क, जो कि नेव बार का बार है वो हो जाएगा डार्क। और लाइट से कर लिया इसको डार्क, उसके बाद हमें आइकन्स को भी ब्लैक करना होगा। तो आइकन्स को ब्लैक करना है या क्या करना है वो हम देख लेते। तो फिर जाएंगे इस एजुकेशन वेबसाइट पे, फिर से रिफ्रेश कर लेंगे, तो आप देखो ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें ये दूसरा भी करना होगा डार्क, बीजी कलर, बीजी मतलब जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी करना होगा डार्क, ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। तो दोनों को कर लिया डार्क। तो इसके बाद आएंगे, इसके बाद रिफ्रेश कर देंगे, तो देखो नेविगेशन बार भी डार्क हो गया और ये आइकॉन्स भी डिस्प्ले होने लग गए। उसके बाद हमें आइकॉन्स को लेफ्ट राइट को शिफ्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा सिंपली, तो आइकॉन्स को राइट को शिफ्ट करने के लिए हमें
इमेज राइट है तो इमेज लेफ्ट करनी पड़ेगी। तो इमेज जैसे ही हम लेफ्ट कर देंगे तो आइकन्स एक साइड को शिफ्ट हो जाएंगे। तो आइकन्स देखो आप शिफ्ट हो चुके हैं इस तरफ। तो अभी आप ये वेबसाइट देखो और ये वेबसाइट, तो नेविगेशन बार तो हमारा रेडी होके तैयार हो चुका है। तो आपको इसको कौन सा भी कलर देना है तो आप दे सकते हो, जैसे मैंने डार्क दिया है। तो आपको अगर ग्रीन देना है तो आपकी पसंद का कोई भी कलर आप देख सकते हो। नेविगेशन का कलर ग्रीन होना चाहिए और बैकग्राउंड का कलर होना चाहिए डार्क। तो जैसे आप इधर आओगे फिर से रिफ्रेश कर दोगे तो ये देखो ये ब्लू हो चुका है। तो आप देखो ये भी अच्छा दिख रहा है। तो ब्लू नहीं रखते, इसको रेड रख लेते, तो रेड कर लेते, RED रेड। तो थोड़ा सा फ़र्क कर लेते उस वेबसाइट और इस वेबसाइट में। तो इसका कलर तो ये आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो कभी भी आपको चाहिए तो। तो ये कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने नेविगेशन का कलर चेंज किया है। तो हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना होगा रेड। तो जैसे हम बैकग्राउंड का कलर रेड चेंज कर लेते हैं आपको फ़र्क दिखाई देगा। तो ये तो कंप्लीट डिस्प्ले ही गया है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसको डार्क कर लेंगे, इसको भी डार्क कर लेंगे। और ये तो हमें चाहिए, तो डार्क डार्क हमें चाहिए। तो इसके बाद हमारे वेबसाइट में क्या है, तो ये तो नेविगेशन हो गया पूरी तरह से। तो इसके बाद इस वेबसाइट को खोल लेते हैं। इसके बाद हमारे पास तीन इमेज है और उसको हमें स्क्रॉल बार में दिखाई दे रहा है तीनों इमेज। तो ये कैसे करेंगे, तो फिर से हमें बूटस्ट्रैप में आना है और इधर एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है, कंपोनेंट का नाम है कोरोसल। तो कोरोसल करके एक कंपोनेंट है, तो उस पर क्लिक कर लेंगे कैरोसल करके। तो कैरोसल में जैसे ही नीचे आएंगे हमें कितने तरह के कैरोसल दिखाई देंगे। तो ये फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड और थर्ड स्लाइड, तो इस तरह का स्लाइड घूमते रहेंगे। तो हम ये वाला लिख लेंगे विदाउट कंट्रोल का, तो इसको कर लेंगे हम कॉपी। और इधर आके हमें सिंपली करना क्या है, हमें करना है इसको पेस्ट। तो इस नेव बार के बाद हम डालेंगे कमेंट। तो कमेंट में लिख देंगे हम इमेजेस, तो इमेजेस डाल लेंगे हम इधर। उसके बाद नीचे हम डाल लेंगे इसका कोड। तो जैसे ही हम इसका कोड डाल लेंगे हमारे पास कैरोसल रेडी हो चुका है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको रिफ्रेश करना है। अरे भाई रिफ्रेश तो कर लिया आप, अब बताओगे इमेज कहाँ गई। तो भाई हमने इमेज डाले ही कहाँ है जो इमेज दिखाई देगी। तो ये तो स्लाइडर तो हमारा बन के रेडी है लेकिन इमेज दिखेंगे कैसे, इमेज डालने चाहिए तो अभी तो इमेज दिखेंगे। तो इमेज डालने के लिए हमें सिंपली करना क्या है, तो SRC में जो फर्स्ट इमेज है उसमें कुछ नहीं है तो हमें डालना होगा image1। तो image1.jpg पहले आ गया, उसके बाद image2.jpg में image2.jpg डालेंगे और थर्ड इमेज में हम डालेंगे थर्ड इमेज। तो तीन इमेज हमें चाहिए स्लाइडर में जो कि स्लाइडर घुमाने के लिए सही है। तो हम इसमें आएंगे और इसको कर लेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही हम रिफ्रेश कर ले बूम कुछ अलग ही हो गया। तो इसमें हमारी इमेज आ चुके लेकिन जैसे कि इस वेबसाइट में आप देख सकते हो इमेज सिर्फ इधर तक ही है, जिधर तक ये एंड होता है उधर तक, इसके नीचे इमेज नहीं है लेकिन इधर इमेज पूरा है। लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे तो इमेज तो आ गया। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब आप देख सकते हो आपके वेबसाइट थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा ये इमेज पसंद आई। तो इसमें तो नेवबार और ये बहुत सही लग रहा है, बाकी तो इमेज चाहिए तो आप बदल सकते हो। तो बदलने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली आपको जाना है इधर पिक्साबे में। जाने के बाद आपको डालना है 3.2.3 कुछ रहेगा रेजोल्यूशन। तो इसमें आपको डालना है एजुकेशनल इमेज। तो एजुकेशनल क्यों, तो हमें एजुकेशनल वेबसाइट चाहिए तो हमें एजुकेशनल इमेज सर्च करनी। तो इसमें आने के बाद आपको कंप्यूटर की जगह आप कुछ और भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं नोटबुक, ये नहीं ये तो अलग ही है। तो हमें इधर आना है, तो हमें आना है इधर, इसमें जाना है एजुकेशनल वेबसाइट में और कर देना है चेंज। तो देखो आपने उसकी जगह हमारा बुक आ चुका है। तो ये एक हो गया, उसके बाद ये एक हो गया और ये।
तो ये तीनों इमेज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो अभी सिर्फ हमको इसके हाइट रिड्यूस करनी है, क्योंकि ये देखो हमें स्क्रॉल बार की ज़रूरत पड़ रही है इसे ऊपर नीचे करनी। तो हमें इसके हाइट सिर्फ जितनी लैपटॉप की स्क्रीन है उतनी ही रखनी है, उसके नीचे नहीं रखनी, क्योंकि हमें कुछ और लिखना है। तो हमें क्या करना होगा, इधर आना होगा, इधर आके कोरोसल इनर करके प्रॉपर्टी है, तो हमें इसको करना होगा कॉपी कोरोसल इमेज। तो इसको कर लिया कंट्रोल सी, स्टाइल डॉट सी एस एस में आके हमें करना है इसको कंट्रोल वी, इसके बाद डालना है और हमें इसकी हाइट देनी है 85 VH। तो 85 VH, तो VH स्टैंड क्या है, तो VH मतलब व्यू पोर्ट, तो 85 व्यू पोर्ट तक हमें इसकी हाइट डालनी है। उसके बाद हमें एक्सक्लेमेशन देके इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है इसे। तो इसकी हाइट अभी रिड्यूस हो चुकी है 85 VH तक। तो इसके बाद आना है हमें इस एजुकेशन वेबसाइट में और इस कर देना है रिफ्रेश। तो जैसे ही आप रिफ्रेश कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो 85 VH, तो हमें इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करके आप डायनेमिकली ये चेंज कर सकते हो। तो इंस्पेक्ट के क्लिक करके इसके नीचे अभी हमें क्या करना है, तो हमारी वेबसाइट जो है इसे ओपन कर लेते। तो इसके नीचे हम जैसे ही रिफ्रेश कर देंगे, नीचे एक अबाउट अस सेक्शन मिल रहा है और इसमें एक वीडियो मिल रहा है। तो ये अबाउट अस सेक्शन के लिए हमें क्या करना है, तो सिंपली हमें जाना है हमारे बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप पे आके हमें क्लिक, तो वो जो अबाउट अस है तो वो एक कार्ड है, इसके बाद अबाउट अस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये कार्ड जो है इसे हमें सिंपली कर देना है कॉपी गो समवेयर। तो इस कार्ड को हम कर लेंगे कॉपी यहाँ से। उसके बाद हम आएंगे हमारे इस, तो आपने देखा सिर्फ अभी तक हमने एक सी एस एस लिखा है, बाकी हमने सी एस एस अभी तक लिखा नहीं। उसके बाद हम आएंगे इधर, फिर से हम कमेंट डालेंगे कुछ। तो कमेंट डालेंगे हम, ये है अबाउट अस, तो अबाउट अस का हम डालेंगे अबाउट अस ABOUT, तो अबाउट अस हो गया। उसके बाद हम आएंगे नीचे और कंट्रोल वी, हो गया हमारा कार्ड बन के रेडी है। तो हमारा कार्ड बन के रेडी है, तो हमें देखना होगा कि कार्ड कैसे बन चुका है। तो इसको कर देंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश जैसे ही कर दोगे आपके सामने ये कार्ड रेडी हो चुका है। और ये कार्ड ओवरलैप अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कुछ डाला नहीं है, तो हमें इसमें डालना होगा हमारा वीडियो। तो हमें वीडियो डालना है इसमें, तो हम सिंपली करेंगे क्या, तो हम इसमें डालेंगे वीडियो। तो वीडियो कहाँ डालना है हमें, तो ये जो इमेज है तो इसकी जगह हमें डालना है हमारा वीडियो। तो इमेज SRC की जगह हम डालेंगे वीडियो, और SRC की जगह हम डालेंगे सोर्स। तो इसको यहाँ एंड कर देंगे। सोर्स SRC और कौन सी इमेज डालनी है, हमें वीडियो डालना है, तो हमें वीडियो डॉट, तो ये डालना है। इसके बाद इधर हमें लिखना है कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स मतलब क्या है, तो वो जो आप, मैं बता देता हूँ, कंट्रोल्स और लूप करके एक डालना है, जो कि हमारा वीडियो लूप पे चलाएगा। तो इसके बाद आना है इधर हमें एजुकेशनल वेबसाइट में और इसको कर देना है रिफ्रेश। तो इसके बाद आप देख सकते हो हमारा वीडियो आ चुका है, वीडियो आ चुका है, लेकिन नीचे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो नीचे का क्यों नहीं दिखाई दे रहा वो मैं बता देता हूँ। हमने वीडियो टैग ओपन तो किया है, लेकिन वीडियो टैग एंड ही नहीं किया। तो हमें इमेज टैग एंड करने की ज़रूरत नहीं, इमेज टैग ऑटोमेटिक एंड होता है, लेकिन वीडियो टैग एंड करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम फिर से आएंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे रिफ्रेश कर देंगे, आप देख सकते हो इसके नीचे आ चुका है। इसके बाद जैसे आप प्ले कर लोगे, तो आपके सामने वीडियो प्ले होना शुरू होगा बैक टू स्कूल। और ये सिर्फ एक बार ही नहीं प्ले होगा, ये लूप पे प्ले होगा। आप देखो इधर अभी एंड हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो प्ले होगा, वो पॉज पे जाएगा ही नहीं। तो ये किस तरह हो सकता है, और ये जो आप देख रहे हो इसके लिए हमने लिखा है कंट्रोल्स। तो ये कंट्रोल है, वीडियो के कुछ कंट्रोल चाहिए जिससे हम ऑफ कर सकते हैं ऑन कर सकते हैं, तो इसके लिए ये कंट्रोल्स यूज है। और लूप, लूप की मदद से हम फिर से सेम वीडियो प्ले कर सकते हैं, तो इसके लिए लूप और कंट्रोल हमने दे दिया है। उसके बाद अभी ये तो
हमने देखा कि सेंटर में आता है और सेंटर में आके इसके ऊपर थोड़ी स्पेस रहती, तो वो किस तरह डालेगी? जैसे आप इधर देख सकते हो, इधर स्पेस है और इधर ये है, और ये थोड़ा बड़ा है उससे, तो बड़ा करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो ये जो बड़ा करने के लिए आपको 18 रैम है, तो इसको आपको करना होगा 24 रैम। रैम मतलब उसकी साइज आपको बड़ा देनी है। तो इसके बाद जैसे आप रिफ्रेश कर लोगे, आप देखो हो चुका है ना बड़ा, तो ये अभी काफ़ी सही लग रहा है। और कार्ड टाइटल की जगह हम डाल लेंगे अबाउट अस। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ जाना है इस वेबसाइट पे, और ये जितना भी है तो इसे कर लेना है कॉपी, कंट्रोल सी कर लेना है, क्योंकि हमें डालना तो यही है ना उधर, तो और इधर कर लेना है हमें अबाउट अस। तो अबाउट अस डाल लिया। इसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसके जगह हमें डालना है अपना टेक्स्ट, तो हम वो किस तरह डालेंगे? तो हम इसको पैराग्राफ को कर देंगे नील, और इधर कंट्रोल भी कर देंगे ताकि हमारा जो पैराग्राफ है वो आ जाए इधर। उसके बाद अबाउट अस को कर लेंगे ये, और इधर हम गो समवेयर की जगह लिख देंगे फाइंड मोर अबाउट अस। तो फाइंड मोर अबाउट अस पे कर देंगे ये। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे रिफ्रेश, और आपके सामने आ जाएगा जो भी हमने लिखा है अबाउट अस, फाइंड मोर अबाउट अस। और अभी इसके ऊपर स्पेस देना है हमें, तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे CSS। तो हमारा है कार्ड, तो कार्ड में जाएंगे और थोड़ा सा डालेंगे CSS, सिर्फ थोड़ा सा, ज़्यादा CSS भी यूज़ नहीं करेंगे। मार्जिन टॉप के मार्जिन से हमें चाहिए कितना, मार्जिन टॉप चाहिए हमें 20 पिक्सल चाहिए, ऊपर से हमें चाहिए 20 पिक्सल। तो आ गया ना नीचे। और अभी हमें ये चाहिए सेंटर में, तो सेंटर में करने के लिए एक तो आप अलाइन आइटम सेंटर कर सकते हो, या फिर आप मार्जिन लेफ्ट दे दो। तो मार्जिन लेफ्ट दे देंगे 490 पिक्सल्स। तो मार्जिन लेफ्ट, तो ये मैं डायनेमिकली कोई भी नंबर डाल रहा हूँ, मुझे श्योर नहीं है कि ये सेंटर में लाएगा कि नहीं, लेकिन आप उसके बाद भी कर सकते हो। तो बूम, तो ये सेंटर में तो नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो ये थोड़ा सा इधर चाहिए था, तो इसके लिए हम डालेंगे, फिर से जाएंगे 470 पिक्सल्स कर देंगे। तो 470 पिक्सल्स इमेज इनफ रहना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इनफ है, 490 पिक्सल्स इनफ है, और ये वीडियो प्ले होते हुए बहुत ही अच्छा दिखेगा, और स्क्रीन भी आपको बड़ी दिखाई देती होगी। तो इधर आपको कंट्रोल्स भी मिल जाते। इसके बाद क्या है, इसके बाद आएंगे एजुकेशनल वेबसाइट पे। तो ये एजुकेशनल वेबसाइट है, इसके नीचे आएंगे, नहीं नहीं ये तो अपनी वेबसाइट खुल गई। तो इसके नीचे है कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, तो ये कॉन्टेक्ट अस फॉर्म है। तो ये डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे हम, तो सिंपल है, इसको भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे सिंपल तरीके से। तो हमें करना ये है, हमने कॉन्टेक्ट अस फॉर्म भी बन के रेडी है। तो ये कॉन्टेक्ट अस फॉर्म कैसे बनाया हमने, तो आपको आना है VS कोड में आपका, और अभी आपको इधर अबाउट अस के बाद लिखना है कॉन्टेक्ट अस। तो कॉन्टेक्ट अस का वो बड़ा हो चुका है। उसके बाद आपको बनाना है एक सेक्शन, सेक्शन क्लास, और सेक्शन क्लास का MY मतलब क्या, MY मतलब उसकी मार्जिन, तो उसको देना है 5। उसके बाद एक ड्यू क्लास बनाना है जिसकी पैडिंग आपको PY मतलब पैडिंग देनी है 5 पिक्सल्स। उसके बाद H2 एक क्लास लेना है जिसको टेक्स्ट को सेंटर करना है, जिसमें आपको डालना है कॉन्टेक्ट अस। तो वो क्या है, तो ये आप जैसे देख सकते हो, तो ये वेबसाइट देख सकते हो आप, ये जो कॉन्टेक्ट अस है ये सेंटर को है, तो ये उस तरीके से बताया टेक्स्ट सेंटर करके। उसके बाद आपको नॉर्मल फॉर्म ड्यू बन कर देना है। उसके बाद ड्यू क्लास W50 मतलब विथ उसकी 50% कर दो, और मार्जिन को कर दो ऑटो। उसके बाद फॉर्म टैग खोला है मैंने,
और फॉर्म टैग इधर बन गया है। उसके अंदर हमने एक क्लास लिया है फॉर्म कंट्रोल फॉर्म ग्रुप्स, उसके अंदर यूज़र नेम दिया और अपना नॉर्मल फॉर्म जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाए। हमने तीन फील्ड्स लिए, एक लिया है यूज़र नेम, एक लिया है ईमेल आईडी और एक लिया है मैसेज। तो मैसेज को हमने टेक्स्ट एरिया से बनाया है। तो आप ये कोड देख सकते हो, आप इस तरह ही टाइप करो, रोज 6 लिए, उसके बाद क्लास एक दिया है फॉर्म कंट्रोल, तो तीनों में फॉर्म कंट्रोल क्लास देना है। तो फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल क्लास क्या है, तो ये मैं बता देता हूँ। फॉर्म ग्रुप के मदद से हम जो भी टेक्स्ट में बॉक्सेस लिखेंगे तो वो एक ग्रुप में अरेंज हो जाएंगे, और कंट्रोल से वो परफेक्टली अलाइनमेंट उसकी आ जाएगी। तो आपको अभी करना क्या है, आपको ये कोड लिखने के बाद सिंपली इतना कोड जो है कॉन्टेक्स इधर से लेके इधर तक, तो वो आपको सिर्फ लिखना है, टाइप करना है, और इसके बाद आपका फॉर्म बन के रेडी हो जाएगा। और ये जो ग्रीन कलर का है, मैंने बताया था ग्रीन कलर में बटन है, तो इसके लिए ये क्लास है बटन सक्सेस, तो इससे ये ग्रीन कलर का हो जाता है। अभी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसको अगर मैं कर लूँ प्राइमरी, मतलब प्राइमरी मतलब अगर मैं बेसिक कलर रख दूँ इसका, तो ये कलर कौन सा हो जाएगा देख लो, ये ब्लू हो जाएगा, ब्लू रहता है बेसिक कलर। लेकिन हमें सक्सेस का मैसेज दिखाना है तो हमें ये करना होगा कलर ग्रीन, तो ग्रीन करने के लिए हमें डालना होगा बटन सक्सेस। तो सक्सेस का मैसेज आते ही ये बटन ग्रीन हो जाएगा, तो ग्रीन काफ़ी अच्छा कलर दिखता है, तो इसलिए हम ग्रीन ही रखेंगे। और इस तरह से बन जाएगी आपकी एक बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके की वेबसाइट। और आपने देख लिया इसमें हमने ज़्यादा CSS भी यूज़ नहीं किए, CSS काफ़ी मिनिमम है अगर आपने देखा तो, सब हमने बूटस्ट्रैप की मदद से किया, थोड़ा बहुत ही CSS लगभग 6 या 7 लाइन का रहेगा, उसके ऊपर हमने CSS लिखा ही नहीं, और हमारी वेबसाइट बन के रेडी हो चुकी है। और अगर आपको इसका एक टूर दूँ तो आप देख सकते हो टूर कितना अच्छा है, इधर लोगो, इधर होम, अबाउट स्टडी मटेरियल, और ये सर्च बार पे जैसे हम जाते हैं तो ये सर्च आइकॉन भी ये हो जाए। इसके बाद ये तीन स्लाइडर इमेज जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, स्लाइडर या आप हाथ से भी कर सकते हो अपने, या फिर ये ऑटोमेटिकली भी चेंज होते रहेंगे, उसका कुछ फ्रीक्वेंसी रहता है उसके हिसाब से चेंज होते रहेंगे। और इसके नीचे ये वीडियो, वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप इसके जगह और एक कौन सा भी वीडियो डाल सकते हो, बैक टू स्कूल। तो बैक टू स्कूल क्यों, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है, तो मुझे इसके लिए काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप फाइंड मोर अबाउट अस पे क्लिक कर दोगे तो आपको ये अबाउट अस पेज पे लेके जाएगा, जो आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस का पेज हमने बनाया, जिसमें हमने कॉन्टेक्ट अस सेंटर को लिया, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, मैसेज और सबमिट का बटन। तो इसका कोड जो है वो पॉसिबल हुआ तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट का वीडियो उसे भी देख लो। और इसके पहले आप HTML के प्लेलिस्ट को, वेब डेवलपमेंट के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, जैसे ही हम इसमें कुछ फील्ड्स डालेंगे, जैसे कि ये डाला, कुछ मेल आईडी डालेंगे, कुछ मैसेज डालेंगे, जैसे ही हम सबमिट करते तो इसका रिकॉर्ड डेटाबेस में कैसे जाता है, क्योंकि अगर अब हमने सबमिट किया तो ये ऑटोमेटिकली फिर से रिफ्रेश होकर सेम पेज पर आ रहा है, तो इसका ऑटोमेटिकली अबाउट डेटाबेस में जाना चाहिए। और ये पेजेस को लिंक कैसे करेंगे, अबाउट अस को लिंक करना है, तो अबाउट अस अभी लिंक नहीं है, कुछ नहीं है अबाउट अस के पीछे, स्टडी मटेरियल, कॉन्टेक्ट अस, तो ये सब हम देखेंगे, सर्च बार भी देखेंगे, तो ये सब थोड़ा बहुत देखना है। लेकिन आज मैंने बताया कि आप होम पेज कैसे बना सकते हो एक वेबसाइट का यूजिंग बूटस्ट्रैप, तो आपकी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें से कोई पार्ट समझा नहीं रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें पूछ सकते हो। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो। आई होप यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।